आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दिल अवार्ड पर। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है कलर्स। जैसे कि आप सभी जानते हो कि नेचर हमारे मूड को और हमारे इमोशंस को इफेक्ट करती है, उसी तरह से कुछ कलर्स भी हैं जो हमारे इमोशंस को अट्रैक्ट करते हैं और इफेक्ट करते हैं। तो मैं आज आपको बताऊँगा कि वो कौन से कलर हैं, वो हमारे इमोशंस को कैसे इफेक्ट करते हैं। ये आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि आप पेंटिंग का जो भी बैकग्राउंड बनाओगे तो आपको डिसाइड करना है कि आप वहाँ पे कौन सा कलर अप्लाई करोगे और वो आपकी पेंटिंग को कैसे अट्रैक्टिव बना सकता है और आपकी पेंटिंग को कौन सा मीनिंग देने वाला है। तो आज के कलर्स में से सबसे पहला जो कलर है वो कलर है रेड कलर। तो रेड कलर बेसिकली हमारी भूख को बढ़ाता है। रेड कलर को देखने से ही हमें भूख लगने लग जाती है। जैसे कि आपने KFC का लोगो देखा होगा कि उसमें उन्होंने बेसिकली वाइट और रेड का यूज़ किया हुआ है ताकि उनकी सेल बढ़ाई जा सके। और इसी तरह से यह हमारे उत्साह को, हमारी उत्तेजना को बढ़ाता है और यह एक ऊर्जा का प्रतीक भी है। इसे देखने से ही हमारे माइंड में एक क्रियोसिटी जाग उठती है कि हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। जैसे कि आपने ज़्यादातर साइन बोर्ड देखे होंगे या रेड लाइट जो होती है, तो उसको देखने से ही हम एकदम से एक अटेंशन में आ जाते हैं। किसी की अटेंशन के लिए रेड कलर को ज़्यादा रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसी तरह से ये एक लव के सिंबल में भी आप देख सकते हो कि ज़्यादातर रेड कलर का यूज़ होता है। आप कोई भी बैलून देख सकते हो रेड कलर में, आपको दिखेंगे कि लोग ज़्यादातर वही लेना पसंद करते हैं। और इसके साथ साथ ये जल्दबाजी का प्रतीक भी है। मुझे आशा है कि आप सभी समझ चुके होंगे कि रेड कलर से कैसे अटेंशन पाई जा सकती है और इसी तरह से आप भी अपनी पेंटिंग्स में रेड कलर का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया है। ये लोगों की अटेंशन दिलाने में आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा और आपकी पेंटिंग को एक अच्छी लुक दे सकता है। तो आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बाकी कलर्स के बारे में भी बताऊँगा और तब तक के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।